हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी होती क्या है? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं, वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब इन्होंने रेस्पिरेटरी बोला है तो इसका मतलब ये क्या है, ये सभी के सभी हमारे लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो कैपेसिटी जो है वो क्या है हमारा लंग का स्पेस, मतलब हमारे लंग्स में कितना स्पेस है एयर को अंदर रिजर्व करने का, या कितनी एयर हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट स्पेस क्या है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है कि हमने कितनी एयर इनहेल की है, हाउ मच। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो कैपेसिटी मतलब कितना स्पेस है, और वॉल्यूम का मतलब कितना है, हाउ मच, मतलब हमारे अंदर कितना वो गई है। ठीक है, आई होप आप ये इतना समझ गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितनी वॉल्यूम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी वॉल्यूम हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो अंदर कितनी ली और बाहर कितनी हमने एग्जिट आउट की। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 500 ml के आसपास। ठीक है, तो हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अब ये क्या कह रहे हैं, 6000 से लेकर 8000 तक इतनी एयर जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। ठीक है, मतलब इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। तो हमने किया था कि हम जब एक मिनट में कितनी बार भाई एयर अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं, वो क्या था, 12। तो 12 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 12 इंटू 5 भाई 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 के आसपास आ जाएगा हमारा, तो ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, 12 टू 16 होता है, तो उन्होंने वैल्यू बता रखी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है, IRV। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। तो इन्होंने ये कहा है कि देखो, एक नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो कितनी एयर हमारे अंदर जा रही है और कितनी एयर हमारे बाहर जा रही है, अभी हमने किया था 500 के आसपास। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि स्पेस तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा है। ठीक है, टोटल स्पेस अभी आगे हम करेंगे, तो हमारे अंदर जो स्पेस होता है वो 5 to 6 लीटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो 5 to 6 लीटर के अराउंड ही होता है। तो हमने स्टार्टिंग में टाइडल वॉल्यूम जो किया था उसमें सिर्फ 500 जा रही थी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये कहा है कि जो हम फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली जब इंस्पायर मतलब इनहेल करोगे एयर को, तो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो फोर्सफुली जाएगी, ठीक है, बाद में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुली हमारे अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे लंग्स के अंदर बहुत काफ़ी स्पेस है। ठीक है, स्पेस है, जिस वजह से क्या है, हम फोर्सफुली अंदर एयर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप ये दोनों चीज़ समझ रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इन्होंने यही कहा है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब एक्सहेल कितना कर रहा है, बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो इन्होंने ये कहा है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हमने एडिशनल एक्सपायर किया, मतलब एक्सहेल कर दिया, मतलब नॉर्मल तो 500 है,
जब फोर्सफुली करते हैं तो हमने कितना और ज़्यादा किया, तो वो कितना है 1000 to ml to 100 ml, ठीक है। और जो भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो कितना था 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। मतलब इतना स्पेस है कि हम इसे और रिजर्व अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक्सपायरेटरी में ये बता रखा है कि जो नॉर्मल 500 जो हम एक्सहेल करते हैं उसके अलावा भी कितना और एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना है, मतलब बाहर कितना और छोड़ सकते हैं हम एयर को, तो वो कितना है 1000 ml to 100 ml, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे इन्होंने बता रखा है रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है, तो रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, मतलब हमारे लंग्स में कितना प्रेजेंट है आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो इन्होंने कहा है कि बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर रह जाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो एवरेज इन्होंने बताया है 1100 ml to 1200 ml, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे, अब आपने किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास होता जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो पास होगा और फिर जाके क्या है वो हमारे लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो कुछ एयर जो होती है वो हमारे ट्रैक्ट के अंदर रह जाती है एयर, ठीक है। जो एयर ट्रैक्ट के अंदर रह जाती है, ठीक है, कंप्लीट एयर हमारे लंग्स के पास नहीं गया है, तो जो एयर ट्रैक्ट के अंदर रह जाती है तो हम उस एयर को क्या कहते हैं, डेड स्पेस एयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, डेड स्पेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास है। तो और जो एयर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 150 ml के अराउंड। तो इसका मतलब क्या है, हमारे अर्थ, हमारे जो ब्रोंक्योल्स जो है, हमारा लंग्स जो है वहाँ पे कितनी एयर गया, 350, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था 500, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। देखो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर हमारे लंग्स के पास जाती है। अभी हमने टाइडल वॉल्यूम किया था, टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 के आसपास था, ठीक है। अब हमने ये बताया है कि जो 500 ml हमारे अंदर जो गई है ना, तो वो कुछ एयर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास रह भाई उसके उससे पास होता हुआ हमारे लंग्स के पास जाता है, तो कुछ एयर यहाँ पे रह जाती है, तो कितनी एयर रह जाती है, 150। जब 150 से 500 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 350। तो हमारे लंग्स के पास कितना गया, 350 ml, ठीक है। और डेड स्पेस में कितना रह गया हमारा, 150 ml। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, जो पाथवे है वो कितना एक्सचेंज कर रहा है, 350 ml के आसपास, ठीक है। अब हम हमने क्या था, वॉल्यूम। अब हम करेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, तो कैपेसिटी करने के लिए सबसे पहले हम एक बार वाइटल कैपेसिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन, मतलब कितना मैक्सिमम जो वॉल्यूम है एयर की हमने इनहेल किया है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब बाहर एयर निकालने के बाद हमने कितना मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर लिया है, उसे हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। तो ये किसके, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर यही था ना कि हम भाई टाइडल वॉल्यूम में तो ये था कि नॉर्मल हम कितना अंदर ले रहे हैं, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ये था कि हमने भाई फोर्सफुली जो एडिशनल फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भाई हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन के थ्रू कितनी एडिशनल वॉल्यूम जो है वो हमने एक्सपायर कर दी है, मतलब बाहर आउट की है, एक्सहेल की है। तो वो था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था कि हम कितना इनहेल कर रहे हैं एडिशनल,
ठीक है, जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। तो ई आर वी जो आया था वो हमारा किस कितना आया था, 2500 के आसपास, और जो टाइडल वॉल्यूम था वो हमारा कितना आया था, 500 के आसपास, और जो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो हमारा कितना आया था, 1100 के आसपास। तो इन सब को जब हम वो करेंगे प्लस तो कितना हो गया, 41100 के आसपास, और हायर वैल्यू के साथ करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 4900 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी जो है वो कितने के आसपास होगी, हमारी लंग्स की कैपेसिटी 400 मतलब 4 to 5 लीटर के अराउंड होगी। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो इन्होंने यही कहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब हमारे जो एंड में हमारे अंदर जो वॉल्यूम जो है एयर का हमारे लंग्स में कितनी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है, ये किसके इक्वल है, वाइटल कैपेसिटी और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के इक्वल है। तो वाइटल कैपेसिटी अभी हमने किया था, हमारा कितना आया था, 4 to 5 लीटर, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1100 ml to 1200 ml के आसपास। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5100 मतलब 5 to 6 लीटर के अराउंड हो जाएगा हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एयर को रखने की, वो है 5 to 6 लीटर के अराउंड। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा रह गया है थोड़ा सा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए क्या बता रहे हैं ये, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की एब्रिवेटेड फॉर्म है IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो उन्होंने कहा है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन की, वो भाई आफ्टर मतलब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हमने कितना एक्सहेल किया है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी एयर का जो टोटल वॉल्यूम जो कितना हम इनहेल करते हैं वो है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वो किसके इक्वल है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो वो ये है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो मतलब नॉर्मल जब हम इनहेल करते हैं उसके बाद कितनी एयर जो है हम एक्सहेल कर रहे हैं, वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, अच्छी तरह से समझिएगा और याद रखिएगा। और फिर है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर डैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इन्होंने ये क्या है कहा है, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कितना वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स के अंदर एयर रिमेन रहता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। थैंक यू।